रामपुर गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ कैंसर से पीड़ित थी। रमेश और अनामिका उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कई जगह ले जाते हैं। वो कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी गए। वो इलाज के साथ साथ शारदा की अच्छी देखभाल भी करते थे। रमेश खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का देखभाल करता था। रमेश के पास 5 एकड़ जमीन थे। उसमें कुछ अंश में उसने धान की खेती की और खेत के बाकी कुछ हिस्सों में उसने आम के पेड़ लगाए। वहाँ से जो पैसे आते थे वही वो अपने घर पे खर्च करता था। ऐसे ही उनका परिवार चल रहा था। तभी एक दिन रमेश अनामिका से कहता है, अरे अरे अनामिका, अनामिका कहाँ हो? जल्दी से खाना लगाओ, मुझे खेत जाना है। अजी, आज आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? क्या हो गया आपको? अरे, हमारे पड़ोसी गांव के जानवर हमारे खेतों के रास्ते से जा रहे थे। खेतों को खेलने के लिए अभी पैसे नहीं है। उन जानवरों के लिए हमारे खेत खराब होंगे। हर दिन लड़ाई, वो अलग। उस गांव से लोग आज मुझे मारने आए थे। अरे, उन्होंने तुम्हें मारा है क्या? नहीं, पर इस बार अगर वो जानवर हमारे खेत में आए तो मैंने कह दिया कि मैं चुप नहीं रहूंगा। लड़ाई क्यों करना, हम अच्छे से रह रहे ना, समझौता कर लीजिए ना। अनामिका और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, शारदा वहाँ खांसते खांसते आती है। बेटा, कल मेरी दवाइयाँ खत्म हो जाएगी, जरा देख लेना। ठीक है अनामिका, मैंने अपने कमरे में पैसे रखे, ले आना। वो पैसे तो आपने पेड़ों के खाद खरीदने के लिए बचा रखे थे ना? हाँ, उसी पैसे के बारे में कह रहा हूँ। अरे, तुम आम के पेड़ों के लिए पैसे मेरे दवाइयाँ खरीदने क्यों खर्च कर रहे हो? एक महीने बाद जब पैसे आएंगे तब तुम ले आना बेटा। माँ, आम के खेतों से हमें कुछ अच्छा मुनाफा हुआ है। तुम ज्यादा जरूरी हो, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। ज्यादा बात मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊंगा। रमेश पैसे लेकर अपनी माँ की दवाइयाँ लाने चला जाता है। उस दिन रमेश बहुत दिल से दुखी था। रात के भोजन के बाद वो इस बारे में सोचने लगता है। अनामिका को ये बात समझ में आती है। की हो जगो, की ए भाभे तुम्हें अनेक कुंदुरे चिंता करछो? कुछ नहीं अनामिका, मैं इतना परिश्रम करता हूँ पर मुझे अच्छा फल क्यों नहीं मिलता है? इस बार आम के भाव लगता है अच्छा जाएगा। अगर हम आम के पेड़ में खाद देते हैं तो अच्छा फल मिलेगा। संभावना है कि हमें अच्छे भाव मिलेंगे, पर आज सारे पैसे मैंने माँ की दवाइयों के लिए खर्च कर दिए, जिस वजह से मैं अब खाद नहीं छिड़क सकता, जिससे अच्छा फायदा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ अनामिका। हाँ जी, मैं भी इस बात से दुखी हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी। उस बात को सुन के जरूर आप खुश हो जाएंगे। क्या है अनामिका? डॉक्टर जो शहर में रहते हैं, सासू माँ का ऑपरेशन और इलाज करते हैं, वो हमारे गांव में रहने आ रहे हैं। यहाँ वो 6 महीने तक रहने वाले हैं। तब तक हम पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं और हम उनका अच्छा इलाज भी करा सकते हैं। उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये सोचकर दिल खुश हो रहा है, पर पैसों के बारे में सोचकर मन दुखी हो जा रहा है। ठीक है अनामिका, मेरे जैसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए उधार भाइयों की तरह है। मुसीबतें आंसू बच्चे की तरह है। जीवन के साथ साथ ये सब भी सहन करना पड़ेगा। अब क्या करें? भगवान कभी ना कभी हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे भगवान से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं खाद के बारे में पहले भी पढ़ चुकी हूँ। मैं खुद आम के बगान जाकर नेचुरल फर्टिलाइजर आम के पेड़ में छिड़क दूंगी, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है अनामिका, कल से तुम भी मेरे साथ खेत में चलो, हम दोनों मिलकर काम करके लौट आएंगे, मैं भी तुम्हें सहायता करूंगा। दुखी होकर रमेश और अनामिका बात कर रहे थे। अगले दिन अनामिका नेचुरल फर्टिलाइजर बना के खेत में ले जाती है और पेड़ों पे छिड़क देती है। 1 महीने के बाद आम के पेड़ में मंजर आ जाते हैं और हरे हरे फल भी नजर आने लगते हैं। अनामिका और रमेश का चेहरा खुशी से खिल जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर आम बड़े रंगीले और रसीले दिखने लगते हैं। ये देखकर रमेश की खुशी दुगनी हो जाती है। अनामिका, अनामिका, बहुत अच्छा डील मिला है। उन्होंने कहा है कि आम वो महंगे दर पे ले लेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। कल वो हमारे खेत जाएंगे और आम तोड़ के ले जाएंगे, कल ही वो सारे पैसे दे देंगे हमें। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मैं अभी के अभी मंदिर से आती हूँ। देवी माँ ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है, मैं माथा टेक के आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ अनामिका। अनामिका फिर मंदिर जाती है। देवी माँ के सामने सर झुका के रोते रोते वो धन्यवाद कहती है।
देवी जगत जननी, मेरा परिवार बहुत कष्ट में था। हमारे घर में एक बूंद खुशी नहीं थी। सासू माँ के ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं थे। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे वक्त में आपने हमारे आम के बगान में कृपा करके बहुत मदद की है हमारी। इसी तरह हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखे माँ। मत्था टेक के अनामिका फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ से वो सीधा अपने आम के बगान में जाती है। वहाँ जाकर आम को देखकर वो खुश हो जाती है। वहाँ कुछ आम बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे। उन्हें वो घर ले आती है। जैसे ही उन आमों को उसने काटा, वो बड़ी आश्चर्य हुई। उन आमों के अंदर पैसों की बंडल थी। अनामिका के लिए ये एक अजूबा था। वो तुरंत अपने पति को बुलाकर दिखाती है। ऐसा तक कि रमेश भी आश्चर्य हो जाता है। मुझे पता है जी, ये सब देवी माँ की कृपा है हम पर। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत उत्साहित भी हूँ। मतलब अनामिका, हमारे सारे फल ऐसे ही हैं? ऐसा कह के अनामिका और रमेश तुरंत अपने खेत में जाते हैं, सारे आम काट के ले आते हैं और उनमें से पैसे निकाल लेते हैं। उन पैसों से अनामिका शारदा की जांच कराती है। कुछ दिनों के बाद वो शारदा को शहर के अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाते हैं। परीक्षा करने के बाद वो कहते हैं कि शारदा का ऑपरेशन के लिए सारा बंदोबस्त वहीं पे हो जाएगा। इस बात से रमेश बहुत खुश होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। आम बेच के जो पैसे उन्हें मिले थे, वो पैसे वो शारदा के ऑपरेशन में खर्च करते हैं। कुछ दिनों में शारदा ठीक हो जाती है। फिर उसे घर ले आया जाता है। शारदा को स्वस्थ देखकर अनामिका और रमेश बहुत खुश होते हैं। और कुछ पैसे जो उनके पास थे, उनसे वो गरीबों की मदद भी करते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से बिना किसी परेशानी के वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तब से उस परिवार पे कोई संकट नहीं आई और वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। शारदा कद्दू थी। वो सब कुछ खा लेती थी जो कुछ भी खाने लायक होता था। शारदा और प्रसाद का बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही बुद्धिमती थी। वो घर का सारा कामकाज करती थी और परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अजी सुनते हो, कल हमें उस आदिवासी मुखिया के पास जाना होगा। कितने दिन हो गए वहाँ गए हुए। उनके भोजन बड़े स्वादिष्ट होते हैं। साल में कम से कम एक बार जाके वो सब मुझे खाना है। क्या जरूरत है, पिछले ही महीने तुम वहाँ गई थी और बिना कुछ छोड़े सब खा कर आई थी। फिर जाओगी तो वो कैसे बंदोबस्त करेंगे, बेचारों को छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे जाना है। आप कुछ भी कह लो, आपको वहाँ मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। कल सुबह सुबह मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसा कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ अनामिका आती है। क्या हुआ पिताजी, सासू माँ आपको क्या लाने के लिए बार बार कह रही थी? कुछ नहीं बेटा, वो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं ना, वहाँ वो जाना चाहती है। पिछले ही महीने उसे ले गया था वहाँ। वहाँ के लोगों के भोजन बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हारी सासू माँ तो कुछ छोड़े बिना पूरा का पूरा खा गई। उस दिन उसकी हालत देखने लायक थी और तुम मुस्कुरा रही हो। आप जिस तरह से कह रहे हैं, मुझे तो बहुत जोरों की हंसी आ रही है। तुम्हारी सासू माँ से शादी करके मेरी जिंदगी मजाक बन गई है। तुम्हारा पति सो के उठा कि नहीं? वो तो बहुत पहले ही उठ गए पिताजी, उन्हें शहर में कुछ काम था इसीलिए वहाँ गए। ठीक है, कल मैं और तुम्हारी सासू माँ उन आदिवासियों के पास जाएंगे। तुम भी क्या जाना चाहोगी? मैं नहीं आ सकती पिताजी, घर पे बहुत काम है, आप लोग जाइए। ठीक है। अगले दिन ही प्रसाद अपनी पत्नी को लेके आदिवासियों के क्षेत्र में चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई तरह के कच्चे और पक्के फल दिखे। देखने में वो बहुत अलग थे। उन्हें देखकर शारदा के मुंह में पानी आने लगता है। प्रसाद को बताए बिना शारदा एक फल लेती है और मुंह में डाल के उसे निगल जाती है। बाद में उसे उसका स्वाद थोड़ा खट्टा लगने लगता है, तो वो उसे खाना नहीं चाहती है। और जब उस आदिवासी क्षेत्र से बस 3 किलोमीटर की दूरी थी, शारदा को पेट में बड़ा दर्द होना शुरू होता है। ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे सुनते हो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी तो तुम ठीक थी, अब अचानक क्या हो गया? मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी,
रास्ते में एक फल देखा तो उसे खा लिया था। जब से वो फल खाया तब से पेट में दर्द हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है पेट से कुछ बाहर आ जाएगा। क्या कह रही हो तुम, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। चलो जल्दी घर लौट जाते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब शारदा और प्रसाद घर लौट आते हैं, शारदा के पेट से एक पेड़ बाहर निकल आता है। ये देखकर शारदा और प्रसाद आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा तो रोना ही शुरू कर देती है। हाय भगवान, मैंने ये क्या खा लिया जो मेरे पेट के अंदर से एक पेड़ निकल आया। अब पता नहीं मैं क्या करूँ, कौन मुझे बचाएगा। अजीओ सुनते हो, मुझे बचा लो, बड़ा डर लग रहा है मुझे। बाप रे, अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है कि पौधा एक बड़ा पेड़ बन रहा है। हर मिनट ये पौधा बढ़ रहा है। अरे शारदा, तुम्हें खाने को और कुछ नहीं मिला हा? क्या जरूरत था बताओ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बचाओ। मुझे लगता मेरा पेट बड़ा हो रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, पौधा बड़ा पेड़ बनने जा रहा है। अरे कोई बहू को बुलाओ, हमारी बहू सब जानती है ठीक करना। रुको मैं ले आता हूँ उसे। जल्दी ले आओ, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ऐसी परिस्थिति है कि मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देख कर सब हंसेंगे। जल्दी से जाकर बहू को बुला कर ले आओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं ही जाके बहू को ले आता हूँ। प्रसाद भागते हुए घर जाते हैं, वहाँ अनामिका थी। वो जाके अनामिका के सामने रोने लगते हैं, फिर सारी कहानी खुल के बताते हैं। बेटा अनामिका, अब तुम ही अपनी सासू माँ को बचा सकती हो, चलो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलिए जल्दी चलिए। फिर प्रसाद अपनी बहू अनामिका को लेकर उस आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं। फिर वहाँ जाते हैं जहाँ शारदा थी। शारदा के पेट के अंदर से एक बड़ा पेड़ निकल चुका था। उस पेड़ में पंछियाँ अपनी घोंसला भी बनाने लगी थी। अनामिका को देखते ही शारदा जोर जोर से रोने लगती है। बेटा अनामिका, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो। सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, आप बस कुछ देर शांत रहिए, मैं ऑपरेशन करती हूँ, देखिएगा फिर आपको कुछ नहीं होगा। जल्दी करो बेटा, नहीं तो ये पेड़ और बड़ा हो जाएगा और मेरे पेट में और दर्द होने लगेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अनामिका धीरे धीरे सासू माँ का ऑपरेशन करती है। वो सासू माँ का पेट काटती है और पेट के अंदर से उस फल का बीज निकाल देती है जो सासू माँ ने खाया था। जैसे ही उसने उस बीज को काटा तो वो बड़ा सा पेड़ नीचे झुक गया। फिर जैसे ही शारदा के पेट से वो पेड़ निकल जाता है, अनामिका सासू माँ के पेट को सिल देती है। वो बहुत अच्छे से सासू माँ का चिकित्सा करती है। फिर शारदा अपने बहू को गले लगाकर बहुत रोती है। तुमने मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ। मुझे ये कद्दू वाली आदत नहीं चाहिए, आज से मैं ये खाने की आदत छोड़ दूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस पेड़ के लिए आज तुम्हारे में बदलाव आया, इस पेड़ की पूजा करो और ज्यादा खाए बिना खुश रहो। बेटा नामिका, रमेश को इस बारे में कुछ मत कहना, वो सुनेगा तो मुझे और डांटने लगेगा। नहीं बताऊंगी सासू माँ, आप बस खुश रहिए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा और प्रसाद खुश हो जाते हैं। बाद में शारदा हद से ज्यादा खाना छोड़ देती है और खुशी खुशी जीने लगती है और परिवार में खुशियाँ लौट आती है।